के सेशन में हम जो है वो एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं और नई फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर जो है अगर हमने न्यू फाइल बना ली हुई है तो उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है वो कैसे करते हैं, अगर हमने नई फाइल बनानी है और हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई टेम्पलेट यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और हम चाह रहे हैं कि कोई बना बनाया टेम्पलेट मिल जाए, कोई शीट मिल जाए जिस पर हम काम कर लें, तो वो हम करना चाहेंगे, और अगर हम खुद से एक टेम्पलेट बनाना चाहेंगे तो वो भी हम ज़रा इस पर सीखेंगे ताकि हमारा कोर्स के वो चीज़ें कवर हो जाएँ कि जो हम एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर रहे होते हैं। मैं आपको एक फ़ाइल पर ले जाता हूँ जी, फाइल पर हम जाएंगे ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये होगा न्यू, हमने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ब्लैंक वर्कशीट आएगी, आपको ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करना है ठीक है। मैं ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिएगा मैंने एक नई जो है बुक टू जो है वो क्रिएट कर ली है। तो ये वर्कबुक कहलाती है, ये वर्कशीट्स कहलाती हैं, जितनी शीट्स आपने ऐड करनी हो वो ऐड कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये सारा आर्किटेक्चर भी समझाया आपको और इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसकी वर्किंग भी सारी डिटेल से बताई है। ये आज से मैं सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हम एक नई वर्कशीट बना कैसे सकते हैं, तो वो हमने आज ये सीखना है कि नई वर्कशीट हमने कैसे बनानी है ठीक है। तो ये हमने कर लिया हुआ है। अच्छा अब ये देखें एक और तरीकाकार जो है हमें जो वर्कशीट बनाने का है वो उधर समझ लेते हैं, वो तरीकाकार क्या है हमारे पास। मैं दोबारा एक्सेल खोलता हूँ ठीक है, और मैं एक्सेल खोल करके ये देखिए मैं एक्सेल ओपन किए हुए हूँ। अब इस वक्त जो है मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं अगर कोई बिज़नेस एप्लीकेशन खोलना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं बिज़नेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे बिज़नेस से रिलेटेड कुछ टैम्पलेट दिखा रहे हैं ठीक है। ये बने बनाए टैम्पलेट्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड, ये प्रेजेंटेशन टैम्पलेट्स वगैरह चार्ट्स वगैरह ये मुख्तलिफ किस्म के ये मतलब बिज़नेसेस के हवाले से दिए हुए हैं ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बिज़नेस हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, अगर कोई पर्सनल आप चीज़ बनाना चाहते हैं तो लाइक ये दिया हुआ है पर्सनल मंथली बजट, कि मंथली बजट आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सीजनल अगर आपने कोई इलस्ट्रेटेड एनी ईयर आप करना चाह रहे हैं, हाउस होल्ड अगर आप हैं तो वो चीज़ कोई चीज़ मेंटेन करना चाह रहे हैं, वीकली मतलब कुछ करना चाह रहे हैं ये। तो मैं लाइक अगर पर्सनली मंथली बजट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मैं इसके ऊपर क्लिक करते ही ये मेरे पास ये क्रिएट होकर के मेरे एक्सेल में आ जाएगी, मेरी फाइल का हिस्सा बन जाएगी। अब आप आसानी से यहाँ जो एंट्रीज वगैरह करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। ये स्टार्ट का बटन दिया हुआ है और ये पर्सनली बजट का बटन दिया हुआ है। अब लाइक ऐसे फर्जी वैल्यू दी हुई हैं ये इतने वैल्यूज़, आप इन वैल्यूज़ में तब्दीली भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ 400 लिखता हूँ तो ये $400 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी फार्मूलाज इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं ठीक है। ये देखें ये सम का फार्मूला है, मैं ये बाद में आपको समझाऊँगा पढ़ाऊँगा कि सम का फार्मूला कैसे लगता है। बहरहाल ये इसके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है और हर शीट के ऊपर फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मंथली इनकम, मंथली इनकम के हवाले से एक्स्ट्रा इनकम फना और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं ठीक है। इसके हवाले से प्रोजेक्टेड के हवाले से ये इनकम दी हुई है, ये सारी वैल्यूज़ इससे दी हुई हैं। आपने कुछ वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, जैसे मॉर्गेज है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह है, ये जो रूटीन के अखराजात हैं वो आपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह अदर में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, फ़ोन बिल मोबाइल बिल कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको ये इस अंदाज से इसको चेंजेस कर सकते हैं। वैल्यूज़ में भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आप वैल्यूज़ में चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली फार्मूला में तब्दीली आएगी, रिजल्ट्स में तब्दीली आएगी। तो ये अदर अदर करके दिया होता है, इसमें ये सारी चीज़ें पुटअप करने की सहूलत होती है कि आप अपने अपनी ये वाली शीट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी फिल करती है और आप इसमें और कितनी चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो आपकी रिक्वायरमेंट से हट के भी कोई चेंजेस वगैरह एक्सेप्ट कर ले ठीक है। वो एक्सेप्ट कर ले और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। ये देखें हेड्स बने हुए मुख्तलिफ किस्म के, इंश्योरेंस के, टैक्सेस के, फूड के और गिफ्ट वगैरह, लीगल पैट्स वगैरह के, ये सारे बहुत सारे हेड्स बने हुए हैं। चाहिए तो लगा दें, नहीं चाहिए तो इनको डिलीट कर दें। तो फॉर एग्जांपल ये लीगल का है, मैं मुझे फ़िलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं है या मुझे इनसे मैंने उन्हें यूज़ नहीं करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इनको जो है
यूटिलाइज भी ना करें इनको, सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करके इनको डिलीट भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो आप इनको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक कॉलम करके फिलहाल ये इन्होंने फिक्स किया हुआ है, यहाँ से रिमूव नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल अगर आपने इन्हें यूज़ नहीं करना है तो आप इनको वैल्यू पुट ही ना करें, ये इसका हिस्सा ही नहीं रहेगा और कैलकुलेशन में ये नहीं आएंगी। ये फार्मूलाज पुट हुए हुए हैं और उससे ये कैलकुलेशन हो रही है। अब ये देख रहे हैं कि मुकम्मल एक जो है शीट जो है हमारे पास बनी हुई है और उससे हम काम ले रहे हैं, ठीक है। अब आप जब इसे क्लोज करेंगे और इसे सेव करेंगे तो आप ये सेव करने का कहेगा तो आप इसे यस कर देंगे, तो इससे ये आप इसे सेव कर सकते हैं आराम से। इसका कोई नाम दे करके कि मंथली बजट ऑफ के नाम है, पर्सनल मंथली बजट की बजाय आप इसमें चेंजेस कर लें, क्या नाम इसका दे दें आप पहले सज्जाद, ठीक है, मंथली बजट कर दें या कुछ भी, तो आपको इस अंदाज से ये फाइल बन जाएगी और इसे आप सेव कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने किस तरह से एक टेम्पलेट के ऊपर काम किया और हमें बने बनाई चीज़ें मिल गई हैं। अब हम उनसे उनको असेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब ये इधर बनी हुई पड़ी हुई हैं, आप उनको क्लिक करें और दोबारा से खोल लें, खोल करके ये असेस कर लें। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ नहीं जी, मैं इसको ओपन नहीं करना, मैं खुद से एक नई क्रिएट करता हूँ, जैसा कि हमारे टॉपिक में दिया हुआ था कि हमने एक नई खुद से क्रिएट करनी है और फिर उसे बतौर एज ए टेम्पलेट रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, हमारे पास ये सीरियल नंबर है, ये हमारी क्वांटिटी है, तो ये प्राइसेस हैं, तो ये मैंने फर्जी वैल्यूज़ दे दी हुई हैं। तो इस तरह से करके मैं इनको डेटा फिल कर देता हूँ, क्वांटिटीज़ दे देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी दे देते हैं और प्राइस भी हम इधर फिट कर देते हैं कुछ भी। तो इस ये हमने मतलब इसको अगर फार्मूला लगाना हो तो हम इन्हें फार्मूला भी लगा लेते हैं ताकि ये हमारा फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का हमने फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, तो बहरहाल ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और ये हमारे एक शीट रेडी हो गई। इसको आप सेव करने कहते हैं, सेव करते हुए कंट्रोल एस प्रेस करें या फाइल में जाएं तो वहाँ आप सेव पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं ब्राउज करता हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। लेकिन इस बार आपको चाहिए कि आपने सेव करना है एज ए टेम्पलेट, तो फिर आप देखें इधर कहीं लिखा होगा कि एक्सेल एज टेम्पलेट, ये देखें ये लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जो है ये बिल्कुल आसानी से ये एज ए टेम्पलेट सेव कर लेंगे। अब आप इसे क्लोज कर दें और आप जो है दोबारा से कभी खोलना हो या इसमें चेंजेस करनी हो तो आप डेस्कटॉप पे जाएं और वहाँ ये डेस्कटॉप पे, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे रखा था कि नहीं देखते हैं कहाँ रखा था, दोबारा एक्सेल खोलते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का बता देगा। ये क्योंकि एक्सेल शीट्स दिखा रहा है और हमने जो बनाई है वो टेम्पलेट वगैरह बनाई है, तो हम वो टेम्पलेट के हवाले से सर्च करेंगे, तो वो हम उसे नाम दे दे, जो भी नाम हमने दिया था उसका उसका नाम हमने क्या रखा था, आई थिंक सो कि उसका नाम बुक वन था या टू था, इसको अगेन करके देख लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए। हमने एक ब्लैंक शीट यानी लेनी है, बैक पे जाते हैं, दोबारा ब्लैंक शीट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ हम फर्जी सा डाटा लिख देते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव एज पे जाता हूँ मैं और ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करके हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसे डेस्कटॉप पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार इसका टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है, और इधर आ करके हम नाम दे देते हैं एग्जांपल टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट की एग्जांपल, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी। अब आप इसे बेशक बंद करें, अब अगेन आप इसे क्या करें, रिफ्रेश करें ताकि आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर ये आपके पास ये डेस्कटॉप पे आ जाएगी। तो हम दोबारा जाते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास, एग्जांपल टेम्पलेट के नाम से फाइल पड़ी होनी चाहिए,
फॉर्मेट हमारे पास जो है वो एक्सेल एग्जांपल टेम्पलेट, ये देखिए यहाँ दी हुई है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो आज के सेशन में फ़क्त हमने ये सीखा कि नई फाइल कैसे ऐड करेंगे, और कोई बनी हुई फाइल एज ए टेम्पलेट जो पड़ी होगी उसे कैसे ओपन करके उसमें एडिट करके उसे सेव एज करेंगे अपने नाम से या किसी नाम से चेंज करके, और फिर ये है कि हम अपनी नई फाइल को जो ब्लैंक वर्कशीट होगी, वर्कबुक होगी, उसमें आप जो है किस तरह से तब उसे चेंजेस करके उसे बतौर टेम्पलेट सेव करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा।